षडयंत्र अक्रॉस्टेटचे संपादक संजय भैरे यांनी घेतल्या या बातमीचा मागोवा। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेल डायघर परिसरात पिंपरी गावच्या डोंगर पायथ्याशी अज्ञात इसमाचा मृतदेह सापडला होता। त्याचे शिर नसल्यामुळे पोलिसांपुढे मारेकऱ्याला पकडण्याचे मोठे आव्हान होते, पण अत्यंत कौशल्यपूर्ण तपास करत शील डायघर पोलिसांनी या खून प्रकरणाचा तपास लावला असून आपल्या वडिलांना जादूटोणा करून मारले असल्याचा समज करून अमित नागरे याने त्याचे साथीदार निहाल हांडोरे, अविनाश वानखेडे, शुभम धबाले उर्फ दाद्या आणि अमर शर्मा यांच्या मदतीनं त्याचे काका विष्णू किसन नागरे यांचा खून केला होता, अशी माहिती आरोपींनी तपासादरम्यान दिली आहे। पोलिसांची कामगिरी खरोखरच वाखाणण्याजोगीच आहे। 15/11/19 को सुबह अराउंड 10 बजे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो पिंपरी गांव है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसको सर नहीं है। तो जब हम पूरे अधिकारी और कर्मचारी मैं कुछ स्पॉट पे गया है तो पता चला है कि एक 45 to 50 का एज का जो इंसान है वो झाड़ी में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको सर नहीं है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में एक महिला ने एक मिसिंग का कंप्लेंट दिया कि उसका हस्बैंड कल रात से लापता है। तो डेड बॉडी तब तक हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल ले गए थे। फिर जो महिला जो है कुसुम नागरे उसी को उसको हॉस्पिटल में लेके जाकर जब बॉडी दिखाई है तो उसने अंगूठिया और कुछ बॉडी मार्क्स और कपड़ों से पहचान लिया कि उसका हस्बैंड है, इसका नाम विष्णु नागरे। फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन को एक ट्रैक मिला है, उसके तौर पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको लीड मिला उसमें कि उसका जो भतीजा है, पुतन्या है, जिसको मराठी में पुतन्या बोलते हैं, वो अमित नागरे है, उसने मर्डर किया था और उसने उसकी कबूली भी दी। मर्डर का कारण ये था कि वो अमित जो था वो अंडर इम्प्रेशन ये था कि 2016 में जो उसके फादर की डेथ हुई थी वो उसके चाचा ने जो अभी का मैथ है उसके जादू टोना की वजह से हुई। एक्चुअली उसका बाप दारू पीता था, लीवर सोरायसिस से एक्सपायर हो गया था, लेकिन अंडर इम्प्रेशन ये था कि भाई मेरे चचा ने जादू टोना के इसलिए उसका बाप मर गया, इसलिए उसने ये मर्डर किया है। और ये मर्डर करने में उसके 4 साथीदार और थे, उन्होंने उसको मदद किया है। एक पार्टी का बहाना बनाया, पार्टी के जगह पर पहले ही दिन शस्त्र लेके गए वहाँ, फिर चचा जैसा वॉचमैन का ड्यूटी करता था वहाँ से वो निकला तो उसको लेके जाके स्पॉट पे गए, दारू पिया, जैसे ही वो चचा नशे में आया उसका मर्डर कर दिया। सर कहाँ पे देखा गया था बॉडी? इसका जो मर्डर के बाद में जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने उसका मुंडी को काट डाला और एक सैक में भर के, प्लास्टिक केस में भर के उसको मोटरसाइकिल पे जो दीवा गांव है वहाँ पे ले गए थे, डंपिंग ग्राउंड के पास, वहाँ उसको फेंक दिया था। जब हमने उसको अरेस्ट किया, उसको इंक्वायरी की तो उसने बताया था, फिर उसने हमको स्पॉट दिखाया, वहाँ जाके हम सब उसको गर्दन को भी रिकवर किया।